हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। पिछले सेशन में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। तो आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। तो नाम से आपको लग रहा होगा कि जब नेम इतना डिफिकल्ट है तो चैप्टर पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इस चैप्टर को आराम से धीरे धीरे अच्छे से स्टडी करेंगे, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो स्टूडेंट्स, हमें हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। कुछ होती हैं लिविंग थिंग्स और कुछ होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब आप बताइए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो बेटा, लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो रिप्रोडक्शन करती हैं। लिविंग थिंग्स किसे बोलेंगे? जो रिप्रोडक्शन करती हैं, यानी कि अपने ही जैसे यंग बंस को रिप्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वह किसी भी तरह का कोई रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग्स में आते हैं हमारे प्लांट्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। अब हमें हमारे आसपास में कई तरह के एनिमल्स दिखाई देते हैं। हमें इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, हमें बर्ड्स दिखाई देते हैं, हमें ह्यूमन बीइंग्स दिखाई देते हैं, हमें काऊ, बफेलो, टाइगर, इस तरह के एनिमल्स दिखाई देते हैं। बट स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई दे रहे हैं सिर्फ हमारे आसपास में वही एग्जिस्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें मैं और आप हमारी ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते, वह साइज में कितने छोटे होंगे। एक चींटी भी हमें दिखाई देती है। आप देखते हो कि जो चींटी होती है उसकी साइज कितनी छोटी होती है, लेकिन उसको भी हम हमारी आइज से देख सकते हैं। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो चींटी से भी बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं, और उन्हें हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम, अगर हम उन्हें हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो फिर हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे देखें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो हमें हमारी आइज से दिखाई नहीं देते? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए स्पेशल डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप। उसके लिए किसका यूज किया जाएगा? माइक्रोस्कोप का यूज किया जाएगा, जिसकी हेल्प से हम छोटी से छोटी चीज को भी देख सकते हैं। या फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फंगस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इनको या तो माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा जा सकता है। तो आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइज में इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें ह्यूमन आइज से नहीं देखा जा सकता है। जो साइज में इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए या तो माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या है? वेरी वेरी
स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा। और ऑर्गेनिज्म का मतलब है बच्चे लिविंग बींग, ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग बींग। तो ऐसे लिविंग बींग जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इजी। चलिए, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी। हमारे आसपास में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं और ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज, जिन्हें हम अनएडेड आइज या फिर नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या नहीं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फंगस होता है, जो ब्रेड पर जो फंगस आता है उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही अंडरस्टूड है, माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है कि हमारे आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्या है? आपको एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, आपको एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और उस ब्रेड के स्लाइस पे आपको पानी डाल देना है, यानी कि उसको मॉइस्ट कर देना है और उसके बाद उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। तो 2-3 दिन बाद आप क्या देखोगे कि जो ब्रेड के स्लाइस पे आपने पानी डाला था वह है पानी तो सूख जाता है, लेकिन वो जो ब्रेड है उस पर ग्रेइश वाइट कलर के पैचेज आ जाते हैं। उस ब्रेड पर ग्रेइश वाइट कलर के पैचेज आ जाते हैं। तो ये ग्रेइश वाइट कलर के पैचेज क्या हैं? दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं जो कि इस ब्रेड के स्लाइस पर आ गए हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आपको दिखाई देंगे, इसमें थाउजेंड्स में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा बच्चों कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लिविंग बींग्स जो आया था वह था बैक्टीरिया, और फिर बैक्टीरिया से ही ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वह अभी अभी आए हैं, 2-4 साल पहले ही आए हैं। ये हजारों साल से एग्जिस्ट करते हैं, ये हजारों सालों से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक पॉन्ड में से पानी लेके आना है, आपको पॉन्ड से पानी लेके आना है और उस पानी को एक प्लेट में डाल देना है। ठीक है, उस पानी को प्लेट में डाल देना है और फिर उस पे आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसमें जब देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, उसमें आपको बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जो कि क्या होते हैं,
बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, एल्गी हो सकता है, इस तरह के कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग बींग्स। तो ऐसे लिविंग बींग्स जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको ह्यूमन आइज से या फिर अनएडेड आइज से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी आए हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे कि हम कैसे पता करें कि हमारे आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या नहीं, तो उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।